आप क्लिक करने तो फिर लाया हूँ वीडियो को स्किप ना करके क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न ये है कि 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय और महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। आपका नेक्स्ट प्रश्न ये है कि अगले वर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा 20 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम सरकार। आपका नेक्स्ट प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किस फाउंडेशन ने ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट सीरीज लॉन्च की है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन। आपका नेक्स्ट प्रश्न ये है कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत का औसत घरेलू आयोजन पर खर्च फिल्म ब्लैंक से कम हो गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधा। आपका नेक्स्ट प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किसने जूडो में भारत का पहला पैरालिंपिक पदक जीता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपिल परमार। आपका नेक्स्ट प्रश्न ये है कि पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के फिल्म ब्लैंक में जल संचय जन भागीदारी पहल शुरू की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत। आपका नेक्स्ट प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किसे 2024 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। आपका नेक्स्ट प्रश्न ये है कि पूंजीगत व्यय कैपेक्स को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा फिल्म ब्लैंक से अधिक के व्यय के मानदंडों में ढील दी गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50 करोड़ रुपए। आपका नेक्स्ट प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बबीता चौहान। आपका नेक्स्ट प्रश्न ये है कि 4 सितंबर को किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच पनडुब्बी बचाव सहयोग बढ़ाने के लिए कार्यान्वयन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और दक्षिणी अफ्रीका। वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।